हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से रिलेटेड, जिसमें हम तो वॉल्यूम से रिलेटेड बात करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट हमारा क्वेश्चन की तरह हमको इसको डील करना है। तो क्वेश्चन है, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर, जैसे कि यहाँ पर इथाइल इथेनॉइट है प्लस H2O, एसिडिक मीडियम H प्लस, इससे बनेगा CH3, COOH, एसिडिक एसिड प्लस इथेनॉल। ठीक है, टाइट्रेशन विद NOH, टाइट्रेशन विद NOH, फाइंड रेट कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम। ठीक है, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला यहाँ पर आपको इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स में कैलकुलेट करना है। तो देखिए, यहाँ पर वैसे सिंपली यहाँ पर अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो आप NOH से टाइट्रेट करोगे, तो NOH यहाँ पर बेस है, तो बेस इसको टाइट्रेट करेगा, H प्लस आयन को टाइट्रेट करेगा, और H प्लस आयन मतलब एसिडिक मीडियम के साथ में रिएक्ट करेगा, तो H प्लस के साथ में टाइट्रेट होगा, तो यहाँ पर जो जीरो टाइम है उसमें भी NOH का वॉल्यूम काउंट होगा, टी टाइम पर भी एसिड प्रेजेंट रहेगा उसका वॉल्यूम काउंट होगा, और NOH जब रिएक्शन में इन्फिनिट टाइम पर कंप्लीट हो जाएगी तो वहाँ पर एसिड बन रहा है प्रोडक्ट में, तो उस प्रोडक्ट को भी क्या करेगा, ये टाइट्रेट करेगा। तो इस तरह देखिए, यहाँ पर ये इथाइल इथेनॉइट है CH3 COO C2H5 प्लस H2O, इससे बन रहा है CH3 COOH प्लस C2H5OH। ठीक है, T इज इक्वल टू जीरो टाइम पर इसका अमाउंट एनोड है, तो ये कितना होगा, जीरो जीरो, क्योंकि वाटर तो यहाँ पर एक्सेस अमाउंट में है, तो इसकी अपन बात नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर भी एक्सेस अमाउंट में है वाटर, इसलिए फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ना। तो एनोड अमाउंट है यहाँ पर T इज इक्वल टू T टाइम पर, देखिए यहाँ पर इसका एनोड माइनस एक्स अमाउंट। ठीक है, एनोड माइनस एक्स अमाउंट, यहाँ पर देखिए ये T इज इक्वल टू जीरो टाइम पर जो वॉल्यूम NOH का काउंट हो रहा है वह वॉल्यूम ऑफ NOH इसको टाइट्रेट करेगा, तो T इज इक्वल टू जीरो टाइम पर इसका A अमाउंट यहाँ पर पार्टिसिपेट करेगा रिएक्शन में, तो जीरो नहीं होगा। ठीक है ना, T इज इक्वल टू जीरो टाइम पर कितना होगा ये A, चलो ये अभी जीरो मान लेते हैं, यहाँ पर पेपर कर लेंगे आगे। इसका X अमाउंट यहाँ पर बनता है और इसका भी X अमाउंट यहाँ पर बनता है, और T इज इक्वल टू इन्फिनाइट टाइम पर ये तो हो जाएगा जीरो, ये कितना बनेगा एनोड, ये भी कितना बनेगा एनोड। ओके, तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो एनोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो T इज इक्वल टू जीरो टाइम पर एनोड है, ठीक है, तो एनोड यहाँ पर इनिशियल टाइम है T इज इक्वल टू जीरो पर, T इज इक्वल टू जीरो पर वॉल्यूम ऑफ NOH कितना काउंट होगा, वॉल्यूम ऑफ NOH भी यहाँ पर काउंट होगा, और माना कि वह A अमाउंट इसके साथ में रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, या आप हम बोल सकते हैं V नॉट, या इस तरह बोल सकते हैं V नॉट यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ NOH है T इज इक्वल टू जीरो टाइम पर, तो वह A अमाउंट कैटलिस्ट का को टाइट्रेट कर रहा है, तो V इज इक्वल टू T इज इक्वल टू जीरो टाइम पे जो V नॉट अमाउंट है NOH का वह कैटलिस्ट को टाइट्रेट करेगा, H प्लस आयन को टाइट्रेट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट V इज इक्वल टू VT टाइम पर ये किसको टाइट्रेट करेगा, एक तो एसिड के, तो एसिड का कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड और है ना X अमाउंट एसिडिक एसिड और कैटलिस्ट को भी टाइट्रेट करेगा,
और टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट टाइम पर, टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट टाइम पर ये टाइट्रेट करेगा एसिड के एनोड अमाउंट को प्लस कैटलिस्ट के ए अमाउंट को प्लस, है ना, ठीक है, इसको टाइट्रेट करेगा। तो V इज इक्वल टू जीरो टाइम, T इज इक्वल टू जीरो टाइम पर V नॉट अमाउंट NaOH का भी काउंट होगा और वह किसके इक्वल होगा, A अमाउंट। A अमाउंट क्या है यहाँ पर, कैटलिस्ट का माना है अपन ने, ये A अमाउंट किसका है, कैटलिस्ट का है, ठीक है। और T टाइम पर ये कैटलिस्ट को भी टाइट्रेट करेगा और ये एसिड बन रहा है इस एसिड को भी टाइट्रेट करेगा, और V इज इक्वल टू इन्फिनाइट टाइम पर ये एसिड को भी टाइट्रेट करेगा। और कैटलिस्ट, देखिए कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, वह रिएक्शन में कंप्लीट होने के बाद रिएक्शन में वापस बन जाता है ना, कैटलिस्ट रिएक्शन में कंप्लीटली कंज्यूम नहीं होता है, बात जानते हो ना आप, कैटलिस्ट केवल रिएक्शन को, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है ना। तो देखिए यहाँ पर हमको जो कैटलिस्ट हमारा फॉर्मूला है, K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एनोड अपॉन एनोड माइनस एक्स, यही हमारा फॉर्मूला था, या एटी बोल सकते हैं इसको, एनोड माइनस एक्स। तो हमको ये वाला फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हमको, इस फॉर्मूले को हमको वॉल्यूम की टर्म्स से रिप्लेस करना है, एनोड अपॉन एनोड माइनस एक्स को रिप्लेस करना है, एनोड अपॉन एनोड माइनस एक्स को रिप्लेस करना है, ठीक है, इसकी वैल्यू लेके आनी है हमको, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट हमको एनोड की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो एनोड किससे आएगा, वी इन्फिनाइट माइनस वी नॉट, तो वी इन्फिनाइट माइनस वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए नॉट प्लस ए माइनस ए, तो कितना आ गया हमारे पास, ए नॉट की वैल्यू आ चुकी है, और ए नॉट माइनस एक्स निकालना है आपको, तो वी इन्फिनाइट माइनस वी टी आपको करना पड़ेगा, तो वी इन्फिनाइट माइनस वी टी, ठीक है। तो ए नॉट प्लस ए, ए नॉट प्लस ए माइनस एक्स, ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा ए नॉट माइनस एक्स, एनोड माइनस एक्स, क्लियर है। तो इस तरह से हमने एनोड और एनोड माइनस एक्स की वैल्यू यहां पर निकाल ली है, तो रेट कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला हो जाएगा के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग एनोड की वैल्यू की जगह वी इनफिनाइट माइनस वी नॉट, और एनोड माइनस एक्स की जगह वी इनफिनाइट माइनस वी टी। तो ये रेट कॉन्स्टेंट का फॉर्मूला है किसके लिए, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस इन एसिडिक मीडियम, ओके, ठीक है ना। तो एस्टर का हाइड्रोलाइसिस एसिडिक मीडियम में कराया जाएगा, इनिशियल अमाउंट ए नॉट, इसका जीरो जीरो होगा, इसका ए नॉट माइनस एक्स, ये एक्स एक्स बनेगा, टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट टाइम पर रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, ये ए नॉट बनेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ NaOH, ये V नॉट क्या है यहाँ पर, T इज इक्वल टू जीरो टाइम पर वॉल्यूम ऑफ NaOH है ना, तो वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना काउंट हुआ है, A कैटलिस्ट को टाइट्रेट किया है, फिर कैटलिस्ट कैटलिस्ट प्लस एसिडिक एसिड को, फिर एसिडिक एसिड प्लस कैटलिस्ट को, ठीक है। तो उससे अपने यहाँ पर पूरा फॉर्मूला ड्राइव कर लिया, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन, एंगल ऑफ रोटेशन ये किसके लिए निकाला जाता है, सुक्रोज के लिए ना। तो सुक्रोज आप जानते हो कि सुक्रोज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है और इन्वर्टेज एंजाइम से ये सुक्रोज डिसोसिएट होता है, डिकम्पोज होता है, किसमें, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो सुक्रोज, सुक्रोज का इन्वर्टेज एंजाइम और ये चेंज होता है बेटा यहाँ पर ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो सुक्रोज होता है वह डेक्स्ट्रा रोटेटरी होता है, कौन सा रोटेटरी होता है, डेक्स्ट्रा रोटेटरी, मतलब पीपीएस के पीपीएस को ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है ना। ग्लूकोज भी डेक्स्ट्रा रोटेटरी होता है और ये होता है लीवो रोटेटरी, फ्रक्टोज क्या होता है, लीवो
रोटेटरी, ठीक है। तो सुक्रोज डेक्स्ट्रा रोटेटरी है, बट जो इनका जो मिक्सचर बनता है ये डेक्स्ट्रा रोटेटरी का है। ग्लूकोज का थोड़ा एंगल कम होता है, फ्रक्टोज का एंगल थोड़ा ज़्यादा होता है। तो जो मिक्सचर बनता है यहाँ पर डिसोसिएशन होने के बाद वो लिवो रोटेटरी होता है, ठीक है। मिक्सचर जो बनेगा वो क्या होगा, लिवो रोटेटरी। सुक्रोज डेक्स्ट्रा रोटेटरी है। पीपीएल आप जानते हो ना, प्लेन पोलराइज लाइट को, ये प्लेन पोलराइज लाइट है। यदि इसको कोई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करता है, इस तरह से रोटेट करेगा तो ये तो लो हो जाएगा लीवो, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये लीवो होगा। और इस तरह से रोटेट करता है किसी पीपीएल के, पीपीएल लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को, तो ये कहलाता है डेक्स्ट्रा रोटेटरी, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर सुक्रोज से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज का फॉर्मेशन हो रहा है और सुक्रोज डेक्स्ट्रा रोटेटरी है। और बट इसका जो इन्वर्टेड एंजाइम से जब इसको ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में तोड़ा जाता है तो इसका जो मिक्सचर बनता है वह लिवो रोटेटरी बनता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन की बात करते हैं अपन। तो यहाँ पर पी वैल्यू ले रहा हूँ, पी क्यू एंड आर। पी है यहाँ पर रोटेशन ऑफ पीपीएल, रोटेशन ऑफ पीपीएल पर मोल सुक्रोज, पर मोल सुक्रोज। क्यू है यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन पर मोल ग्लूकोज, और आर है यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन पर मोल फ्रक्टोज। ओके, ठीक है। चलिए फिर से हम काम यही करना है हमको। यहाँ पर देखिए आगे, ये सुक्रोज है, सुक्रोज से बन रहा है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, ठीक है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज। देखिए यहाँ पर इसका इनिशियल अमाउंट, तो मैंने कंसंट्रेशन यहाँ पर इसका टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पर ए नॉट है, ये कितना होगा, जीरो एंड जीरो, ठीक है। टी इज इक्वल टू टी टाइम पर, टी इज इक्वल टू टी टाइम पर इसका ए नॉट माइनस एक्स, ये कितना बनेगा, एक्स एंड एक्स। और टी इज इक्वल टू इन्फिनाइट टाइम पर ये ए नॉट होगा, ये भी ए नॉट होगा, ये भी क्या होगा बेटा, यहाँ पर ए नॉट। ओके, अब एंगल ऑफ रोटेशन की बात की जाएगी, एंगल ऑफ रोटेशन की बात की जाएगी यहाँ पर। तो एंगल ऑफ रोटेशन किस तरह से निकाला जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका मोल्स यहाँ पर ए नॉट है और इसका रोटेशन कितना है पर मोल्स के लिए, तो ए नॉट के लिए कितना हो जाएगा, ए नॉट इंटू पी। ग्लूकोज के लिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए नॉट माइनस एक्स इंटू पी पर मोल्स के लिए एंगल ऑफ रोटेशन, ठीक है। और ग्लूकोज के लिए कितना हो जाएगा एंगल ऑफ रोटेशन टी टाइम पर एक्स इंटू क्यू, और फ्रक्टोज के लिए कितना हो जाएगा, एक्स माइनस एक्स आर होगा, है ना, क्योंकि ये एंगल ऑफ रोटेशन कितना किस में होता है, ये नेगेटिव में होता है। लिवर रोटेटरी का मतलब होता है नेगेटिव और डेक्स्ट्रा रोटेटरी का मतलब होता है पॉजिटिव, ठीक है। तो निकालते हैं अपन किसके लिए वैल्यू, एंगल ऑफ रोटेशन के लिए वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो टी इज इक्वल टू जीरो टाइम पर ये आर नॉट निकाला जाएगा, आर नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट पी होगा। टी इज इक्वल टू टी टाइम पर एंगल ऑफ रोटेशन एंगल ऑफ रोटेशन क्या आएगा, ए नॉट माइनस एक्स इंटू पी प्लस एक्स इंटू क्यू माइनस एक्स आर, ये आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ए नॉट, तो यहाँ पर ये आ जाएगा वैल्यू, ए नॉट पी माइनस एक्स पी प्लस एक्स क्यू माइनस एक्स आर, ठीक है। तो ए नॉट पी की वैल्यू हमने निकाल ली है, ए नॉट पी किसके इक्वल है, आर नॉट के इक्वल है। तो ए नॉट पी की जगह लिख सकता हूं मैं यहां पर आर नॉट, और
यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स कॉमन आ जाएगा, माइनस एक्स कॉमन आएगा तो यहाँ बचेगा टी माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, आर टी के इक्वल। तो आर टी माइनस आर नॉट इज इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, एक्स एक्स टी प्लस क्यू माइनस आर, ये होगा। या माइनस पी प्लस क्यू माइनस आर, ये होगा ना, ठीक है। आर टी पर निकाल लिया आपने, एनोड माइनस एक्स पर मोल्स के लिए है, तो एनोड माइनस एक्स के लिए कितना होगा, एनोड माइनस एक्स इंटू पी, एक्स इंटू क्यू और माइनस एक्स आर, ठीक है। इस तरह से आर इन्फिनाइट पर निकल दिया, निकला जाएगा आर इन्फिनाइट इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए आर इन्फिनाइट इज इक्वल टू, या आर इन्फिनाइट आई टी प्रोपोर्शनल टू ए नॉट पी, सॉरी ये तो जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, पी इज इक्वल टू इन्फिनाइट पी जीरो, तो ये हो जाएगा ए नॉट क्यू माइनस ए नॉट आर, ये होगा, ठीक है। तो आर इन्फिनाइट इज इक्वल टू ए नॉट कॉमन आ जाएगा, तो ये बच जाएगा क्यू माइनस ठीक है। क्यू माइनस आर, अब देखिए यहां से अपन को ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू लेके आनी है, ठीक है ना। तो ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू कहां से आ सकती है हमारे पास में, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है और ये इक्वेशन थर्ड है। तो ए नॉट की वैल्यू किससे आएगी, नॉट पी क्यू माइनस, यहाँ पर क्या हो गया, इसमें देखिए ए नॉट की वैल्यू आपको लेके आनी है, ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स, ये लिखाना है। तो देखिए यहां पर ए नॉट आर नॉट माइनस आर इनफिनाइट, ठीक है। तो देखिए यहां पर ए नॉट इज इक्वल टू, ये देखिए ए नॉट की वैल्यू, ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स लेके आना है आपको, ठीक है। देखिए यहां पर इक्वेशन थर्ड माइनस फर्स्ट करते हैं अपन, या इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन थर्ड, फर्स्ट माइनस थर्ड करोगे तो फर्स्ट है हमारे पास ए नॉट पी और ये हमारे पास माइनस ए नॉट क्यू प्लस ए नॉट आर, ये आएगा, ठीक है। और ये किसके इक्वल होगा, आर नॉट माइनस आर इन्फिनाइट, यहाँ से ए नॉट कॉमन आ जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा पी माइनस क्यू प्लस आर, ये आएगा आर नॉट माइनस आर इन्फिनाइट,
ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन 4 हमारे पास है, ए नॉट की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, ए नॉट की वैल्यू है पी माइनस क्यू प्लस आर, ठीक है। और नेक्स्ट ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू निकालनी है, ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। तो इक्वेशन इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फोर्थ करिए। इक्वेशन सेकंड क्या है, एक्स एक्स माइनस पी प्लस क्यू माइनस आर, ये माइनस। इक्वेशन फोर क्या है, इक्वेशन फोर क्या है, या इक्वेशन ए नॉट माइनस एक्स निकालना है ना आपको, इक्वेशन फोर माइनस इक्वेशन टू करिए। तो ये हमारे पास आ जाएगा ए नॉट प्लस क्यू माइनस आर एंड प्लस आर, माइनस ये हमारे पास है एक्स और माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा पी माइनस क्यू माइनस एक्स। एंड प्लस आर, तो हमारे पास आ जाएगा ए नॉट माइनस एक्स पी माइनस क्यू प्लस आर, और ये किसके इक्वल है, आर नॉट माइनस आर इनफिनाइट एंड माइनस इक्वेशन टू माइनस आर टी एंड प्लस आर नॉट। आर नोड माइनस आर इनफिनाइट, आर नोड माइनस आर इनफिनाइट, आर टी है आर टी माइनस आर नोड इक्वल टू माइनस एक्स। माइनस एक्स इसको इस तरह से लिखते हैं अपन, एक्स आर नोट माइनस माइनस आर नोट एंड प्लस आर टी। ठीक है, तो आर नोट से आर नोट कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच जाएगा हमारे पास आर टी माइनस आर इनफिनिट। ओके तो दोनों की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, ए नॉट की वैल्यू, ये ए नॉट माइनस एक्स पर मोल्स से निकल चुका है, मतलब पर मोल्स के लिए ए नॉट माइनस एक्स और पर मोल्स के लिए पी क्यू आर था, इस तरह से ए नॉट की वैल्यू भी निकल चुकी है। दोनों की वैल्यू को रखते हैं और फॉर्मूला निकालेंगे, तो फॉर्मूला हमारे पास आएगा के इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग ए नॉट, ए नॉट की वैल्यू कितना है,
आर नॉट माइनस आर इनफिनाइट और ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, आर टी माइनस आर इनफिनाइट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास इसके लिए आ चुका है, इन्वर्जन सुगर के लिए। क्लियर है? देखिए यहाँ पर क्या किया है हमने, आपने पी क्यू आर माना है। पी किसके लिए माना है, सुक्रोज के परमोज के लिए, ग्लूकोज के क्यू माना है और फ्रुक्टोज के लिए आर माना है। सेम काम यहाँ पर यही करना है जैसे अपने और रिएक्शनों में किया है, ए नॉट से जीरो जीरो ए नॉट माइनस एक्स, ए नॉट ए नॉट बन जाएगा आर टी इन्फिनिट टाइम पर। आर नॉट एंगल ऑफ रोटेशन जब इनिशियल है तो वह ए नॉट होगा सुक्रोज के कारण, और वह पी से मल्टीप्लाई कर दिया, पर मोल्स के लिए पी है तो ए नॉट के लिए कितना हो जाएगा ए नॉट पी। आर टी पर आपने निकाला ए नॉट माइनस एक्स, एक्स पी माइनस एक्स आर, यहाँ से ए नॉट पी माइनस एक्स पी प्लस एक्स पी एक्स आर हो गया। तो ए नॉट पी किसके इक्वल है, आर नॉट के इक्वल है, माइनस एक्स पी माइनस क्यू प्लस आर हो गया। तो यहाँ पर आर नॉट माइनस आर टी इज इक्वल टू एक्स पी माइनस क्यू प्लस आर हो गया है। ठीक है, और आर इन्फिनाइट पे ए नॉट ए नॉट क्यू माइनस ए नॉट आर हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ रोटेशन फ्रक्टोस का नेगेटिव होता है। तो आर इन्फिनाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट क्यू माइनस आर। ठीक है, अब आपको ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है बेटा। तो यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन थर्ड क्या है, इक्वेशन फर्स्ट क्या है ये वाली, क्योंकि यहाँ पर ए नॉट पी है और यहाँ पर ए नॉट क्यू माइनस आर है, तो आपको एक ही इक्वेशन लेके आनी है जिसमें कि ए नॉट की वैल्यू सेम आ जाए। तो ए नॉट पी फर्स्ट माइनस थर्ड क्या है, ए नॉट पी माइनस ए नॉट क्यू प्लस ए नॉट आर हो गया इज इक्वल टू आर नॉट माइनस आर इनफिनाइट। तो ए नॉट आ गया है पी नॉट पी माइनस क्यू प्लस आर, आर नॉट माइनस आर इनफिनाइट। ठीक है, नेक्स्ट अपन ने इक्वेशन फोर्थ माइनस इक्वेशन सेकेंड किया है जिससे कि ए नॉट माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड हुई है। तो इक्वेशन फोर्थ क्या थी, ए नॉट पी माइनस क्यू प्लस आर, ये आ गया है सेकंड, माइनस किया है आपने माइनस एक्स, और माइनस एक्स पी माइनस क्यू प्लस